नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीजे सर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर से स्वागत। और हम पढ़ रहे हैं वर्ण से संबंधित, हमारी क्लास की तरह हो तो हमारा पहला प्रश्न है एमसीक्यू का, वो है आपका यूपीएससी 2021 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनि है, भाई आपका का इसका सही उत्तर होगा ध्वनि। तो आपके कंठ यानी गले से जिसका उच्चारण होता है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण आपके कंठ से होता है वो कंठ ध्वनि कहते हैं। और क्या आएगा आपका क ख ग घ, और क्या आ आ आ, और आपका ये आपके वर्ण आएंगे। कौन कौन से आएंगे? कंठ ध्वनियों में आपके उच्चारण स्थान के आधार पर वाचन किया जाता है। उच्चारण स्थान के आधार पर आपके ख ख ग घ ढ, और आपके आ आ ह, और आपके सर्ग यानी अ आपका विसर्ग सहित आएगा। आपके कंठे होती है, आपका उत्तर क आएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके सामने, वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच निकलती हवा से उनमें कंपन होता है कहलाता है। याद रखिए, एक शब्द यहाँ विशेष रूप दिया गया है, कंपन। कंपन जहाँ होता है, कंपन यानी आपके स्वर उच्चारण स्थान में स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक होते हैं आपके पास घोष वर्ण, और इसी नाम से हम अघोष वर्ण के नाम से, एक दूसरा भाग होता है आपका अघोष वर्ण। दो भागों में बांटा गया है, अघोष ध्वनियां और आपके सघोष ध्वनियां। तो यहाँ कंपन यानी जहाँ आपके कंपन होता है, क्या होता है? कंपन होता है, घोष वर्ण कहलाते हैं। और जहाँ कंपन का यानी आपके का उच्चारण करने पे हमारे मुख कोई प्रकार का कंपन नहीं होता, वो तो होते हैं आपके अघोष वर्ण। और जहाँ कंपन होता है वो क्या कहलाते हैं? आपके घोष वर्ण। अगर इस पूरे परिभाषा को आप ना समझ पा रहे हो तो केवल एक ही शब्द आप देखिए, कंपन। कंपन यानी आपके उच्चारण करने में एक कंपन हो रहा है, स्वर आ रहा है, नाद उत्पन्न हो रहा है, वे ध्वनिया क्या कहलाती है? घोष ध्वनिया या घोष वर्ण, या फिर इसका एक नाम और है सघोष वर्ण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सघोष वर्ण। कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपका वर्ग का चौथा पांचवा, और क्या आपके सभी स्वर आएंगे इसमें, समस्त स्वर, और आपके और हा। ये क्या है? ये घोष वर्ण होते हैं। क्या होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, वर्ग का पांचवा वर्ण, ये क्या होते हैं? आपके घोष वर्ण होते हैं। और अघोष वर्ण क्या आएगा? घोष वर्ण में वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, और क्या आएगा इसमें? तीनों ष आएगा, अघोष आते हैं। चलिए, आपका उत्तर कंपन के आधार पर क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण, अघोष ध्वनियां इनको हैं। ये आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न है आपके सामने, का का उच्चारण स्थान है, भाई उच्चारण स्थान के आधार पर आपके वर्णों को प्रमुखता पांच भागों में विभाजित किया गया है। उच्चारण
आधार पर पांच भेद की। नंबर एक है आपके पास कंठ, दूसरा आता है आपके पास तालु, और तीसरा आता है पास का, चौथा है दंत, और नंबर पांचवा है तो यानी उच्चारण स्थान क्या भाव बांटा गया है, पांच भागों में बांटा गया है। तो हमें पूछा गया है ध, कंठ में आपके का वर्ग आएगा पूरा का वर्ग आएगा, तालु में आपका ता वर्ग आएगा, हमें ता वर्ग आएगा, दंत में ता वर्ग आएगा, और ओष्ठ में ता वर्ग आएगा। तो आपका ध दिया गया है, ता वर्ग में कौन कौन आते हैं, ता वर्ग में ता था दा दा और आपके ना, क्या है धा दिया गया है। धा किस में आया है, धा हमारा दंत वर्ण में आया है। तो यहाँ हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, यहाँ हमारा उत्तर होगा दंत वर्ण। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन से दो वर्ण आयोगवाह कहलाते हैं, भाई अंग और अहा आपके आयोगवाह कहलाते हैं। आयोगवाह वे वर्ण होते हैं जिस पर वह व्यंजन दोनों साथ मिलकर, दोनों के साथ है, और आपके अंग को अनुस्वार के नाम से जानते हैं, अनुस्वार के उच्चारण में, नाक निभाती है, कारण नाक से होता है, नासिक के ध्वनि के, और आपका के हम सर्ग के नाम से जानते हैं। ये दोनों ही आपके स्वर और व्यंजन साथ हैं। जैसे कि हमने लिखा अंगना, हमने लिखा गण, हमने लिखा, ये साथ दोनों ध्वनियों के आगे स्वर और व्यंजन के साथ जुड़ हम आयोगवाह कहते हैं। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप कहलाता है। वाक्यों में प्रयुक्त और से आप देख तो यहाँ वाक्य आपके उत्तर ही आपके हुआ, हाँ आपका जो उत्तर है वही आपके प्रश्न में छुपा हुआ है। यहाँ दिया गया है वाक्य में शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित क्या कहलाता है, वह पद कहलाता है, क्या कहलाता है पद शब्दों का, यानी एक शब्द है कमल, तो अगर नाम दिया गया ये शब्द है, क्या है शब्द। अब ये शब्द को हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, कमल राष्ट्रीय है, कमल राष्ट्रीय। अब ये शब्द किसमें प्रयोग हुआ, वाक्य में प्रयोग हुआ, इस कारण ये क्या बना, ये पद कहलाया, यानी शब्द जो कि स्वतंत्र है। अभी कमल क्या है, पूर्ण रूप है, लेकिन उस स्वतंत्रता को हमने किसमें बांध दिया, वाक्य बांध कर उसको एक अनुशासित और व्यवहारिक रूप दे दिया, इस कारण वो तो क्या बन गया, वो बन गया, इसका से पद कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि है, अघोष महाप्राण ध्वनि है,
आपका उत्तर नंबर हाँ एक सही होगा, अघोष। अघोष वर्ण हमने बताए थे आपके वर्ग का टा और टा वर्ण और आपके अघोष आते हैं। अब देखते हैं कौन से हैं। का 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 खा और का 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 पा पा। ये जो है ये हैं आपके अघोष वर्ण। क्या है अघोष वर्ण आपके कभी आ गए। क्या नाम क्या कहते हैं अघोष वर्ण के। और का ख च ज ज और आपका न ट ठ ड ढ और न अथ द और न पाफा बा और ना। और इसमें आएगा इसमें ला वा और हा आएगा। और सब पर भी आपके क्या होते हैं आपके घोष वर्ण। क्या होते हैं घोष वर्ण वे ध्वनियां जिनका उच्चारण कर कंपन या नाद सा उत्पन्न होता है वे घोष वर्ण कहलाते हैं। जहाँ आपके कंपन या अनु होता वो आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। आपके क्या है आपका उत्तर वर्ग का पहला और का यानी के ख। यहाँ पर आपने देखा होगा का तो दिया गया है लेकिन का भी आपके का महाप्राण में आएगा। तो इस आपका नेक्स्ट प्रश्न पर अंतस्थ व्यंजन है। भाई अंतस्थ व्यंजन आपके क र लावा है अंतस्थ व्यंजन और इन्हें एक नाम और दिया गया है अर्ध अर्ध अर्धस्वर केवल दो या और वा। या और वा अर्धस्वर के नाम से जानते हैं अंतस्थ का लावा है। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं। प्रश्न है आपके सामने अंतस्थ व्यंजन है आपका नंबर 4 ही होगा। केंद्रीय विद्यालय में मानक वर्णमाला में मूलतः स्वर और व्यंजन स्थान दिया गया है। हाँ मूलतः और की हाँ मूलतः अगर हम हाँ कुल स्वर आते हैं तो स्वरों की संख्या होती है। अगर कुल स्वर आते हैं स्वर होते हैं तो स्वर होते हैं आपका ग्यारह। हाँ मूल स्वर की बात हो रही है तो मूल स्वर होते हैं 11 और मूल आपके 35। अगर कुल स्वर की बात ये आ गई और कुल 40 आपके क्या है। और यहाँ मूल पूछा गया है मूल व्यंजन पूछे गए हैं 11 तो स्वर और आपके 35 व्यंजन। देखते हैं कौन कौन से होते हैं मूलतः स्वर कौन मूल स्वर वो होते हैं आपके पास आ आ आपके कितने हो गए हुए हमारे पास 11। हमारे पास 11 तो चार हमारे पास कुल स्वरों की संख्या है। अब आ जाते हैं 35 व्यंजन प्रकार होते हैं ख ख ख ख और आपके
आएंगे आपके अंतस्थ व्यंजन आएंगे, अंत वर्णों की संख्या चार होती है, खाली छोड़ आते हैं अंतस्थ व्यंजन आपके चार होते हैं, और आते आपके आते हैं उच्चारण, उच्चारणों की संख्या दो होती है और आपके हाँ इनको हम उच्च पर्ण कह क्या कहते हैं। और अब देखिए पांच तो ये हो गए इनकी नाम से पहचानते हैं, वर्ष क्या कितनी है 25 होती है अंतस्थ वर्णों की संख्या, चार होती है आपकी दो होती है, इस प्रकार आपके 11 तो ये 25 आपके स्पर्श व्यंजन चार और चार उस और आपके तो आपके हैं उच्च तो आपके 35 और आपके 10 हो गए, तरह आपके व्यंजन 25 हो गए और आपके 10 35 हो गए और आपके 11 क्या हुए स्वर, तो इस प्रकार इनको मूलतः ध्वनि मानी गई है केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार। आगे बढ़ते हैं हम, यानी हमारा उत्तर क्या है नंबर कि यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे प्रश्न चरण स्थान की दृष्टि के आ और आ स्वर हैं, भाई आ और आपके कंठ स्वर हैं, हमने इस पे पहले भी चर्चा कर चुके, आ और आपको कंठ आ जाता है कौन? ख ग आपके और क्या आएगा आ होती हम कंठे ध्वनिया या कंठे वर्ण के जानते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाते हैं, सभी स्वर होते हैं भाई, सभी स्वर अल्प प्राण होते, सभी स्वर क्या होते हैं अल्प प्राण और अल्प प्राण के साथ क्या होते हैं घोष वर्ण भी, अल्प प्राण और घोष वर्णों में आपके ये जाएगा सब अल्प प्राण होते और क्या होते हैं घोष वर्ण। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है, घोष है और महाप्राण भी है, तो देखिए तीनों जो शब्द आ रहे हैं ये आपके महाप्राण तो होते हैं लेकिन घोष नहीं होता, तीनों क्या हैं वो महाप्राण तो हाँ प्राण तो है लेकिन क्या नहीं है घोष वर्ण है, क्या नहीं है घोष वर्ण है, हमें ऐसा देख कि आपके दोनों में यानी हाँ हाँ महाप्राण भी है और आपके घोष वर्ण भी है, देखा है ना हमने य र ल प और आपका हा ये किस में जाता है, ये घोष वर्ण में भी जाता है और आपके महाप्राण में भी जाएगा, तो आपका उत्तर होगा उत्तर नंबर डी यहाँ पर सही माना जाएगा। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित शब्दों में से उस शब्द को अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, अनुस्वार पर वे ध्वनि का उच्चारण का उच्चारण नाक से क्या जाता है, नाक जिस नाक का भाग क्या होता है सक्रिय होता है अनुस्वार कहलाता है, आपका अनुस्वार अनुस्वार में आपके ऊपर बिंदी अनुस्वार में आपके ऊपर बिंदी लगती है, अब आप गौर कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी चार शब्दों में एक
एक शब्द है संयुक्त यहाँ पर शिरोरेखा पर, शिरोरेखा यानी गायन के ऊपर यहाँ पर क्या कहते हैं, तो हम वा कहते हैं। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर जाते हैं। भाषा की सार्थक लघुतम इकाई किसे माना जाता है? भाई भाषा की सार्थक लघुतम इकाई शब्द को माना जाता है, माना जाता है शब्द। देखिए यहाँ कंफ्यूज करने के लिए एक शब्द जोड़ा गया है, भाषा की सार्थक। अगर इस शब्द को मैं हटा दूं और आपको लिखूं भाषा की लघुत्तम इकाई है, तो वहां अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो आपका उत्तर होगा उत्तर नंबर सी, भाषा की लघुत्तम इकाई आपकी क्या होती है, वर्ण। लेकिन यह एक शब्द जोड़ा है सार्थक, सार्थक का शाब्दिक अर्थ होता है शब्द, शब्द शब्द सहित। अब वो आपका, अरे यहाँ शब्द नहीं अर्थ सहित, अर्थ सा का अर्थ होता है और आपका अर्थ सही। यहाँ पर भाषा के वह भाषा तो हमें एक पूर्ण अर्थ प्रदान कर रही है वो क्या कहलाती है, वह शब्द कहलाती है। कारण ये दो प्रश्न, एक तो है भाषा की लघुतम इकाई, अगर ये प्रश्न आता है तो आपका उत्तर वर्ण है, वर्ण टुकड़े और खंडन नहीं जा सकता, परिस्थिति होती है वर्ण होती है, और इस वर्ण को ही हम ध्वनियों के नाम से जानते हैं। ये ध्वनियां जो हमारे मुख से निकल रही है वो क्या है, वर्ण है। और वर्णों का व्यवस्थित सार्थक सार्थक समूह, सार्थक समूह वो शब्द के, अगर आप देख हमारे पास चार प्रश्न बने, एक तो है भाषा की सार्थक लघुतम इकाई वो है आपका शब्द, फिर आता है अगर सार्थक शब्द को हटा दें तो भाषा की लघुतम इकाई वर्ण, वर्ण को ही हम ध्वनि के, ध्वनि को ही हम ध्वनि के नाम से, वर्णों का व्यवस्थित क्या कहलाता है खंडन नहीं क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। आगे आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। चरण स्थान के आधार पर छ कैसी ध्वनि है? भाई छ आपके तालव्य वर्ण में आता है, तालव्य में क्या क्या आता है, तालव्य में ट ट ट और आ, ये आपके तालव्य वर्ण होते हैं। और क्या होता है ई, आपके तालव में आएंगे, एक तो छ छ छ आएगा और क्या आएगा श, ये भी आपके जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्ण उच्चारण हमारे तालु के भाग से होता है, तालु तालु होता है हमारा, मान लीजिए आपका क्या है अब इस से निकल रही, और ये ऊपर का ये भाग है भाग गया मूर्धा का, आपका तालु या आपके पास कंठ है, और यहाँ आपके इस वर्णों का उच्चारण करने हमारे मुख पांच भाग सक्रिय रहते हैं, क्या रहते हैं पांच भाग सक्रिय, पांच भाग क्या रहते हैं वो क्या कहते हैं, कंठ होती है ये तो है हमारे ओष्ठ, तो है ये तो ओष्ठ है हमारे दंत, अंदर यानी
आग जा रहा, आग जा रहा है आपका कंठ, तालु, यानी इस आग से उच्चारण तालु, तालव है, सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसका, और ये जो भाग होता है आपके गले से बाहर निकलते हैं। कंठे कहीं किसी प्रकार का कोई उत्पन्न कंठे ध्वनिया कहलाती है। अब आप देखोगे पांच भाग सक्रिय हो रहे हैं, तालु, मुर्दा, कंठ, कोष्ठ और आपके दंत, यानी ये जिनका उच्चारण करने में पांच भाग, मुख अवयव के पांच भाग पूर्ण रूप से सक्रिय भूमिका निभाते हैं। कौन से हैं? वह कंठ, वह तालु, वह मुर्दा, कोष्ठ और वो है आपके पास दंत। इन पांचों भागों से ही आपका इन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, उनको अलग अलग नाम दे दिया गया है। इसका हमारा उत्तर क्या होगा? छ किसमें आएगा? छ आपके तालव्य में आएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं। निम्नलिखित में से स्पर्श संघर्षी व्यंजन, भाई स्पर्श संघर्षी व्यंजन, हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन पहले कहते किसे हैं, यानी स्पर्श मुख में अवयव में हमारी जिह्वा स्पर्श तो कर रही है भाग को, लेकिन इनका उच्चारण करने में थोड़े से हमें घर्षण, या हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह बाहर चल रही है, यानी घर्षण उत्पन्न हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, तो स्पर्श इन वर्णों का उच्चारण करने ऐसा प्रतीत हो कुछ घर्षण हो रहा है और मुख अवयव में स्पर्श तो हो रहा है, स्पर्श होने के साथ साथ संघर्ष के साथ उनका उच्चारण हो रहा है, वो कौन से होते हैं? वो होते हैं आपके पास ट, ट, पर संघर्ष और महाप्राण व्यंजन है, और आपका यहाँ पर सही होगा। आगे आ जाते हैं, कंठोष्ठ ध्वनि है, कंठोष्ठ ध्वनि आपका दो, कंठ यानी जहां आपका कंठ, कंठ का भाव और होठ इन दोनों कंठोष्ठ, हमारे गले से तो उच्चारण हो ही रहा है, उसके साथ साथ हमारे होठ भी सक्रिय आ रहे हैं। वो है आपके पास और अब आप देखो ध्वनि हमारे गले से तो निकल रही है, लेकिन होठ होठ सक्रिय आ रहे हैं, औ और औ दोनों में आपके सक्रिय ओष्ठों की हो रही है गले के साथ साथ, कारण इनको नाम दिया गया है कंठोष्ठ ध्वनिया। कंठोष्ठ ध्वनियों में जहां आपके गला और होठ सक्रिय भूमिका निभाते हैं वो वर्ण कौन से हैं? औ और औ। आगे आ जाते हैं नेक्स्ट। चलिए तो वर्णों का जो श्रृंखला थी यहाँ समाप्त हो चुकी है। आशा है कि वर्णों का जो एमसीक्यू पढ़ रहे हैं आपको आनंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारियों में अहम भूमिका निभाएगा। आज के लिए इतना ही, आज के लिए